यूनिवर्सिटी का मेन गेट आ जाता है। यहाँ से आप जो हाईवे है रोड की हरिद्वार हाईवे है, यहाँ से आप मेन गेट पर आ सकते हैं यूनिवर्सिटी के। और ये इधर से सीधा ये चौराहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का। यहाँ से आप इधर साइंस के डिपार्टमेंट है, इधर ये रोड देख रहे हैं ना, ये पुस्तकालय वाला सीधा वाला रोड ये चला जाता है आपका। मैथ्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे डिपार्टमेंट इसी साइड में पढ़ते हैं। कभी हरिद्वार आए तो एक बार यूनिवर्सिटी को जरूर। तो आज हम विजिट कर रहे हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्व। यूनिवर्सिटी का एक अंदर जाने का मेन रास्ता है जिससे आप सेंट्रल लाइब्रेरी और इधर सेंट्रल ऑफिस जा सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देखो ये अध्यात्मिक की पढ़ाई भी होती है, यहाँ पर यज्ञशाला भी बनी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं ये यज्ञशाला है यहाँ पर यज्ञ और जैसे BA संस्कृत और वेद की भी यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। और यहाँ पर इसकी आप सड़क देख रहे हैं ना, चारों तरफ पेड़ों से घिरी हुई रहती है, ये पेड़ एकदम सुंदरता बना देते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत है और एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, जिसे हम कह सकते हैं ना, जैसे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर दूर दूर से आकर के स्टडी करते हैं। यहाँ पर मेनली बहुत सारे कोर्सेज हैं, PhD तक भी यूनिवर्सिटी आपको करा देती है यहाँ पर। तो इस बोर्ड को तो आप देख ही रहे होंगे, ये वेद विभाग, यहाँ पर वेद संग्रहालय भी है, वेद मंदिर भी है, यहाँ पर वेदों की स्टडी भी कराई जाती है। तो ये गुरुकुल का अलग पार्ट है, यहाँ पर वेद वैदिक शोध संस्थान है ये गुरुकुल का। हमने जो ये भवन दिख रहा है आपको, बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है, ये प्रशासनिक भवन है यहाँ का, जिसका ब्लॉक ए और बी दोनों अलग अलग डिवाइडेड है। और इधर ऑफिस केंद्रीय कार्यालय है यहाँ पर इसका, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का। देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सूखे में भी कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितने सुंदर फूल बन रहे हैं। रेजिडेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर थर्ड क्लास से प्लस टू तक, मतलब ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। बाई चांस सामने आप ये देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर सा एक ऑफिस है ये, है यहाँ पर कुलपति कार्यालय है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कुलपति चांसलर रहते हैं, ऑफिस है ये।